नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेंट्स हाफ स्वेटर के फ्रंट पार्ट की बैक और नेक की कटिंग करेंगे। तो इसमें बॉर्डर पर मैंने 104 फंदे डाले थे और ये डिज़ाइन 10 के मल्टीपल का है और मैंने 11 डिज़ाइन डाले हैं, तो हो गया 110 फंदे। 5 फंदा डिज़ाइन को सेट करने के लिए और एक एक फंदा एज के लिए, तो हो गए टोटल 117 फंदा। 104 फंदा थे, 13 फंदे मैंने बॉर्डर के बाद मैंने 13 फंदे इंक्रीज़ किए और हो गए 117 फंदे टोटल। बॉर्डर मैंने 3 इंच का बनाया है और उसके ऊपर मैंने 18 इंच का ये डिज़ाइन बनाया, तो टोटल 21 इंच बुनाई के हो चुके हैं। और अब इसमें शोल्डर और नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 5 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। ये एक फंदा डिक्रीज हो गया, फिर इसको बाएं सिलाई में लेंगे, एक फंदा और लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। 2 फंदा, 3, 4 और 5, तो हमने 5 फंदे डिक्रीज कर लिए। 117 फंदे सिलाई पे थे। कॉलर के लिए हम बीच के 15 फंदे डिक्रीज करेंगे, तो 117 में से अगर 15 डिक्रीज हो गए तो बचे 102 फंदे। 102 फंदों को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, दोनों शोल्डर के लिए। तो एक साइड में हुए 51 फंदे, 51 स्टिचेस। 51 स्टिचेस में से हमने 15 फंदे यहाँ पे डिक्रीज कर लिए, तो अब यहाँ पे बचेंगे 46। ये एक फंदा हो गया और 45 फंदे हम और बुनेंगे। तो जैसा कि डिज़ाइन है, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ये 5 फंदे का डिज़ाइन, और 3 फंदे को हम 2 बार ऐसे सिलाई में ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 5 फंदा उल्टा, एक डिज़ाइन हुआ, फिर दूसरा डिज़ाइन, एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, 5 फंदा उल्टा, तो ये हमारा हो गया दूसरा डिज़ाइन। 10 फंदे का ये डिज़ाइन है, तो 10, 20, 30, 40, 5 फंदे का ये डिज़ाइन और एक फंदा इस साइड का, यानी 46 स्टिचेस हो गए हैं। अब हमें बीच के 15 फंदे घटाने हैं, यानी ये डेढ़ डिज़ाइन, इसे हमें घटाना है, तो 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का एक घट गया, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 और ये हो गया 15। देखिए हमारा ये डेढ़ डिज़ाइन बीच का घट गया है। अब शेष फंदों को हम डिज़ाइन के मुताबिक बुनते हुए दूसरी साइड में चले आएंगे। दूसरी साइड के 51 फंदे बचे हुए हैं, तो दूसरी साइड के मैंने 51 फंदे बुन लिए। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में। अब यहाँ पे हमें 5 फंदे डिक्रीज़ करने हैं, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे, एक हुआ, 2, 3, 4 और 5 फंदे डिक्रीज हो गए। उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। छठे फंदे को हम बुनेंगे, उसके बाद 3 लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, इसे पीछे की तरफ से पहले फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और दूसरे तीसरे फंदे को दाहिने सिलाई में ऐसे खींचते हुए बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। 3नों फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, तीन, फिर 7 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारा एक डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर 3 फंदों को खोलेंगे, पहले वाले फंदे को बाएं सिलाई में, दूसरे तीसरे फंदे को दाहिने सिलाई में ऐसे लेंगे, ऐसे खींचते हुए वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, तीनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह डिज़ाइन को बुनते हुए हम घटाने तक पहुँचेंगे। तो ये हमने सभी फंदे बुन लिए। अब हम घटाने के पास पहुँचे हैं। तो 2 तरीके से इसकी घटाई की जाती है, या तो हम एक साइड के सभी फंदे बुन लें, या फिर यहाँ पे हम दूसरा थ्रेड लगा के दोनों साइड एक साथ बुनना शुरू करें। तो थ्रेड लगा के बुनने से ये फ़ायदा होता है कि हम एक साथ ये दोनों पल्ले तैयार होते हैं और गलती होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे कि हम एक साथ ही दोनों फंदों को घटाते हैं, दोनों तरफ के फंदों को घटाते हैं, तो दोनों साथ साथ बराबर बराबर चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा थ्रेड लगा ले रहे हैं। छोटी साइड से पहले बुन लीजिए 1-2 फंदे, इससे क्या होगा कि ये बंध जाएगा, और उसके बाद बड़े वाले थ्रेड से इसे लपेटते हुए बुनाई करेंगे तो खुलने की संभावना नहीं रहेगी। तो मैंने बैक साइड से सभी फंदे बुन लिए। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो हमने यहाँ पे 5 फंदे डिक्रीज किए थे, अब की हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 2 और 3 फंदे हमने डिक्रीज किए, पहले 5 फिर 3, फिर शेष फंदों को डिज़ाइन के मुताबिक बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी गले के पास पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। 2 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 2 लाइनों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। इस डिज़ाइन को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए हम दूसरी साइड में पहुंच रहे हैं और यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन है और यहाँ पे हमें एक फंदा डिक्रीज़ करना है, इसलिए यहाँ पे हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। इन दोनों फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदे को हम ऐसे 2 फंदों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा घटा दिया। तो कॉलर नेक में और वी नेक में एक समानता होती है कि वी नेक में हम एक फंदा यहाँ पे उतार लेते हैं और शेष फंदों को ऐसे तिरछे में घटाते हैं, जबकि कॉलर नेक में देखिए यहाँ पे मैंने 15 फंदे को डिक्रीज़ किया एक ही लाइन में। अब हम हर तीसरी लाइन में एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से घटाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग के बाद ये पहली लाइन है, तो यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज कर दिया है। अब ये दूसरी साइड भी हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक फंदा घटा लेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। उसके बाद हम अपने पैटर्न को चालू कर रखते हुए हम दूसरी साइड में पहुँचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को बनाते हुए हम दूसरी साइड में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन आ गया है। तो इस डिज़ाइन को हम इस समय बुनाई नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल सीधा बुनेंगे, क्योंकि इसमें से हमें देखिए 5 फंदे घटाए हैं, फिर इसमें 3 फंदे घटाने हैं, तो ये आधे डिज़ाइन आ जा रहा है। इसलिए इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे नहीं, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब देखिए हमने 5 फंदे घटाए हैं और अब हमको 3 फंदे घटाने हैं, तो 2-2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। 1 घट गया, 2, 3 फंदे हमने डिक्रीज कर लिए। शेष फंदों को हम बुनते हुए बीच में पहुँचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए मैं गले के पास पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पे 1 फंदा हमने सामने की तरफ से ही डिक्रीज़ किया है, यानी अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बुनते हुए दूसरी तरफ आ जाना है। तो मैं ये इतना बुन के आपको दिखाती हूँ। तो हम सामने की तरफ आ गए हैं। हमने पहली लाइन में 5 फंदे घटाए, फिर 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए और इस लाइन में हमें 2 फंदे घटाने हैं, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 1 फंदे को और लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए 2 का 1, तो इस लाइन में हमने 2 फंदे घटाए। शेष फंदों को हम डिज़ाइन के मुताबिक बुनते हुए गले के पास पहुँचेंगे। तो गले के पास पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पिछली लाइन में हमने 1 फंदा गले के पास घटाया था, तो इस लाइन में हमें फंदे नहीं घटाने हैं। 1 लाइन में हम घटाएंगे और 1 लाइन में नहीं घटाएंगे। यदि हम हर लाइन में घटाएंगे तो गला एक ही बार ऐसे फैल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 1 लाइन में हमें फंदे घटाने हैं और 1 लाइन में नहीं घटाने हैं, तो इस लाइन में हम फंदे नहीं घटाएंगे। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और शेष फंदों को डिज़ाइन के मुताबिक बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस लाइन में हमें कुछ नहीं करना है, जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बनाते हुए दूसरी साइड में पहुंचना है। बॉर्डर को मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया था और ऊपर की बुनाई 9 नंबर की सिलाई से हो रही है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सभी फंदों को बुन लिया और अब हम रॉन्ग साइड में आ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहली लाइन में 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, इस लाइन में हमें 2 फंदे घटाने हैं। 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का 1, फिर 1 फंदे को और ले लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए 2 का 1। शेष फंदों को हम डिज़ाइन के मुताबिक बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, यानी दोनों साइड के फंदे हम बुन लेंगे। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हम सामने की तरफ आए हैं, तो हर सीधी लाइन में हमने फंदे घटाए हैं। पहली में 5, फिर 3, फिर 2 और इस लाइन में हमें 1 फंदे घटाने हैं, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1। तो यहाँ पे हमने आस्तीन की घटाई कंप्लीट कर ली है। अब शेष फंदों को हम डिज़ाइन के मुताबिक बुनते हुए हम गले के पास पहुँचेंगे, तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं बुनाई करते हुए गले के पास पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पे हमको 1 फंदे घटाने हैं, क्योंकि पिछली लाइन में हमने यहाँ पे फंदे नहीं घटाए थे। तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 फंदे घटा लिए। अब ये दूसरी साइड भी हमें 1 फंदे घटाने हैं, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे और शेष फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सामने की तरफ से हमने सभी फंदों को बुन लिए हैं और अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। और यहाँ पे हमें एक फंदा डिक्रीज़ करना है। देखिए 5 फंदे को हमने डिक्रीज़ किया, फिर अगली लाइन में 3 फंदे को, फिर 2 फंदे को, और इस लाइन में हमें 1 फंदे को डिक्रीज़ करना है। और यहाँ पे हमारे शोल्डर की कटिंग कंप्लीट होती है। हमने 5, 3, 2, 1 करके 11 फंदे टोटल घटा दिए हैं। और हम अब रॉन्ग साइड से बुनते हुए सामने की तरफ पहुंचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सामने की तरफ आ गए हैं और शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमने 5, 3, 2, 1 करके 11 फंदे घटाए हैं। अब हमें इस साइड में कोई फंदे नहीं घटाने हैं, बस सिंपली हमको जैसे बुनना है वैसे बुनना है। अब हमें सिर्फ गले पे फंदे घटाने हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हर अल्टरनेट हमको फंदे घटाने हैं, यानी एक सीधी लाइन में हम यहाँ फंदे घटाएंगे और अगली सीधी लाइन में हम फंदे नहीं घटाएंगे। देखिए पिछली लाइन में हमने फंदे घटाए थे, यानी इस लाइन में हमें फंदे नहीं घटाने हैं। तो एक साइड में ये 15 फंदे बीच के घटाने के बाद एक साइड में हमारे पास 51 फंदे थे, 51 स्टिचेस। 11 फंदे हमने यहाँ शोल्डर पे घटा दिए हैं, तो सिलाई पे बचे 40 फंदे। हमको कंधे पे 28 फंदे रखने हैं, तो बचे 40 में से 28 हम अगर घटा देते हैं तो बचे 12 फंदे। 2 फंदे यहाँ पे हमने डिक्रीज़ कर दिए हैं और अब हमें 10 फंदों को और डिक्रीज़ करना है। एक लाइन सीधी लाइन में हम फंदे घटाएंगे, अगली सीधी लाइन में हम फंदे नहीं घटाएंगे, फिर तीसरी सीधी लाइन में हम फंदे घटाएंगे, चौथी में नहीं घटाएंगे, 5वीं में घटाएंगे। इस तरह घटाते हुए हम यहाँ पे टोटल 12 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे हमने घटा दिए हैं, 10 फंदे हमें और घटाना है। तो इतनी बुनाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मुड्ढे घटाने के बाद यानी 5, 3, 2, 1 11 फंदा घटने के बाद मैंने 30 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 15, ये उल्टे फंदों की 15 धारी कंप्लीट हो गई है और ये 31वां लाइन चल रहा है। और इसमें हमें एक फंदा यहाँ घटाना है। ये गले पे 10 फंदे घट गए हैं, 12 फंदे घटाना था, 10 फंदे घट गए हैं। इस लाइन में 11वां फंदा घटेगा। और देखिए हम गले के पास पहुँच गए हैं और ये हमारा डिज़ाइन का लाइन है, जिसमें हम 3 फंदों को सिलाई में 2 बार लपेट के सीधा बुन रहे हैं। लेकिन अब चूँकि इस लाइन में हमें फंदे घटाने हैं, इसलिए इस लाइन में हम इस डिज़ाइन को नहीं बनाएंगे, बल्कि डिज़ाइन के फंदों को नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो सीधा बुना। अब यहाँ पे 2 फंदों को हम एक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 11वां फंदा घट रहा है। अब हम दूसरे साइड में हैं और देखिए यहाँ पे हमको फंदे घटाने हैं। और गले की घटाई हम दोनों देखिए सीधी तरफ से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस साइड का भी ये 11वां फंदा घट गया। अब इन 2 फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। ये फंदा हमारा उतारने वाला फंदा है, तो इसे उतार लेंगे और फिर हम 5 फंदे उल्टा बुनेंगे, यानी जो डिज़ाइन है उसको हम कायम रखेंगे। तो हमारा 11वां फंदा गले पर का 11वां फंदा घट गया है। अगली लाइन में, अगली सीधी लाइन में हमें फंदे नहीं घटाने हैं, उसके नेक्स्ट वाले लाइन में हमें फंदे घटाने हैं, यानी 12वां फंदा घट जाएगा। 12 फंदे घटाने के बाद हमें कोई भी फंदे नहीं घटाने हैं, बस हम नॉर्मल बुनाई करते हुए जो डिज़ाइन है उसको बरकरार रखते हुए हम लंबाई पूरा करेंगे। यानी मुड्ढे के बाद से हम यहाँ से 8 इंच ऊंचा 8 इंच तक बुनाई कंप्लीट कर लेंगे। तो 8 इंच बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग के बाद मैंने 5, 3, 2 और 1 इस तरह 11 फंदे घटाए और डिक्रीजिंग के बाद ये 8 इंच कंप्लीट हो गया है। देखिए डिक्रीजिंग के बाद 8 इंच कंप्लीट हो गया है। और अब हम दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब इस कंधे को हम आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स डिक्रीजिंग के बाद यहाँ पे जब घटाई ख़त्म हुई है उसके बाद हमने देखिए कितने सिलाई बुने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 यानी 64 लाइन हमने डिक्रीजिंग के बाद हमने 64 लाइन बुना है और ये 8 इंच बन के तैयार हुआ है। अब हम दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट को मैंने सीधे की तरफ से रखा है और बैक पार्ट को ऐसे उल्टे की तरफ से रखा है। दोनों का ये सामने वाला सिरा अंदर की तरफ से आ गया है। अब हम इसमें इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तीसरा सिलाई ले लेंगे और दोनों में से एक फंदे लेंगे। दोनों सिलाइयों से एक फंदे लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर दोनों में से एक फंदे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। अब पीछे वाला जो फंदा है उसे उठाएंगे और आगे वाले पे ऐसे चढ़ा देंगे। देखिए एक फंदा घट गया। फिर ऐसे ही हम बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। ये देखिए हमारे फंदे यहाँ पे जुड़ने शुरू हो गए हैं। दोनों सिलाइयों से एक फंदे लेंगे और 2 फंदों को एक कर देंगे। फिर पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। ये देखिए हमारी ये दोनों पल्ले जुड़ने शुरू हो गए हैं। या फिर तीसरे सिलाई पे हम दोनों सिलाइयों से एक फंदे ऐसे उतारते जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, इससे फंदे गिरने का डर नहीं रहता है। तीसरी सिलाई पे ऐसे दोनों सिलाइयों में से एक फंदे लेंगे और तीसरी सिलाई पे ऐसे उतारते जाएंगे। इस तरीके से फंदे गिरने का डर ख़त्म हो जाता है और बुनने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो हमने तीसरी सिलाई पे सारे फंदे उतार लिए हैं। अब इसको वापस हम ऐसे बैक कर लेंगे क्योंकि इस सिलाई से हम फंदे जोड़ रहे हैं। तो हम इसको दूसरी सिलाई पर ऐसे उतारते जाएंगे। देखिए 2 के पेयर में फंदे दिख रहे हैं। ये 2 के पेयर में दिख रहे हैं। तो अब देखिए 2 फंदों को लेते जाएंगे, उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। देखिए बुनना कितना आसान हो गया। अब बिना किसी परेशानी के हमारे पल्ले ज्वाइंट होते चले जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स दोनों पल्ले आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। फंदे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, धागे को इसमें से निकालेंगे और इसे ऐसे कस देंगे। और दूसरे पार्ट के ये जो वूल है इसको भी हम काट के और दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर देंगे, बांध लेंगे। अब देखिए ये हमारा एक साइड हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही दोनों पल्लों को एक तीसरी सिलाई पे उतारेंगे। आपको 2 के पेयर में फंदे दिखाई दे रहे होंगे। तो अब हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे। 2 को एक साथ लिया, उल्टा बुन लिया। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इस तरह दो दो फंदों को लेते जाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे पे चढ़ाते जाएंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स जो है आपस में जुड़ना शुरू हो गया। मैं दोनों सिलाइयों के फंदे एक तीसरे सिलाई में करने से देखिए बुनना कितना आसान हो जाता है और फंदे गिरने का भी डर ख़त्म हो जाता है। देखिए हमारे फंदे हमारे पल्ले आपस में ज्वाइंट होना शुरू हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स सभी फंदे देखिए ज्वाइंट हो चुके हैं। अब इस रूप को बड़ा करेंगे, इस फंदे को बड़ा करेंगे और इसमें से हम इस धागे को निकाल लेंगे। धागे को निकाल लेंगे और इसे ऐसे खींच लेंगे, फिर इसे काट के और दोनों धागों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों धागों को हम आपस में ऐसे बांध देंगे ताकि ये खुले ना, अब देखिए हमारे सभी फंदे आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा स्वेटर कुछ इस तरह दिख रहा है। हमारे दोनों पार्ट्स जुड़ चुके हैं। अब हमें इसमें कॉलर बनाना है और कॉलर अलग से बना के इसमें जोड़ा जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।